FIA इंस्पेक्टर BPS 16 को कितनी सैलरी दी जाती है पाकिस्तान के अंदर। ये FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी एक इदारा है जो मुख्तलिफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़, साइबर एक्टिविटीज़ जितनी भी पाकिस्तान में होती हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं। अभी आप न्यूज़ में भी देखते हैं कि जो भी पाकिस्तान के मिनिस्टर्स या कोई भी होता है तो उसको FIA ही इन्वेस्टिगेट करती है। तो बच्चे इसमें सिर्फ हम आज बात करेंगे सैलरी पे और उनके अलाउंसेस पे। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली जो सैलरी दी जाती है ये 89,294 होती है। कितनी? राउंड अबाउट 89,000 सैलरी इनिशियल पे की जाती है। ये करंट लेटेस्ट सैलरी है, मतलब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई मतलब फेक नहीं है। तो बच्चे ये जो 2260 रुपये है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा कि एक्चुअल क्या है। अब अगर हम बात करें तो बेसिक पे की, बेसिक पे है 28,070 जो अभी 2022 के अंदर जुलाई में सैलरी रिवाइज हुई थी, ये उस हिसाब से 28,070 BPS 16 की सैलरी की गई है। तो ये वो सैलरी है। उसके बाद कन्वेंस अलाउंस है 5,000 रुपया, फिक्स TAD है 16,000 रुपया, इडहाक रिलीफ है। ये बच्चे 15% जो इडहाक रिलीफ है ये अभी रिसेंटली जो 2022 के अंदर लगा था वो है। अच्छा, इसमें दो डिस्पेरिटी अलाउंस थे वो इनको नहीं शामिल किए गए। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी अलाउंसेस ले रहे थे, इस वजह से इनको नहीं दिए गए। तो उसके बाद मंथली इन्वेस्टिगेशन अलाउंस होता है, अब मतलब ये बेसिक का 60% होता है, ये 14,000 तो एग्रीगेट इनको ये पे किया जाता है। यूटिलिटी अलाउंस होता है, उसके बाद हाउस रेंट सीलिंग होता है, ये तकरीबन 72,000 रुपया पे किया जाता है। मेडिकल अलाउंस होता है 1500 रुपया, और FIA अलाउंस होता है 20%, ये इनको पे किया जाता है। इसके बाद एंटी क्राइम अलाउंस दिया जाता है, ये भी 1490 रुपये इनको ये पे किया जाता है। तो ये बच्चे इनकी जो एग्रीगेट सैलरी बनती है ये बनती है 89,294। तो ये इनका एक सैलरी चार्ट था, मैंने मुनासिब समझा इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बना दूं और आप लोगों से शेयर कर दूं। अब इसमें बच्चे डिडक्शंस आपकी कौन कौन सी होती है। डिडक्शन एक आपकी जीपी फंड होती है, जीपी फंड तकरीबन एग्रीगेट आपका 5,000 रुपया आपका जीपी फंड कट जाएगा। उसके बाद आपका बिनावलट फंड कटता है 1,000 रुपया के राउंड अबाउट 800 रुपया, वो आपका बिनावलट फंड कट जाता है। तो ये दो अलाउंसेस की कटिंग होती है, इसके अलावा आपका कोई अलाउंस वगैरह नहीं कटता। बाकी ये डिपार्टमेंटल इंश्योरेंस होती है, अगर कोई लेना चाहे तो उसके पैसे कटते हैं, वो तकरीबन 1,000-1,200 रुपया टोटल होती है। तो ये आपको जो इनिशियल सैलरी पे की जाती है एग्रीगेट, वो टोटल जो होती है वो तकरीबन 84,000 के राउंड अबाउट आपकी स्टार्टिंग सैलरी। अब रहेगी बात कि ये 2260 रुपये क्या था। ये बच्चे एनुअल इंक्रीमेंट होता है जो दिसंबर 1 को लगता है, वो ये इंक्रीमेंट होता है 2260 रुपये हर साल आपकी सैलरी बढ़ेगी। बाकी जो जुलाई में बजट लगता है उसकी सैलरी डिफरेंट होती है, वो इनसे हट के होती है, उसमें अलाउंस बढ़ता है या जो भी बढ़ता है। ये 2260 रुपये लाजमी बढ़ना है, मुल्की हालात जो भी हो जाए ये अलाउंस आपको दिसंबर में लाजमी लगेगा, बाकी दूसरी सैलरी जुलाई में बढ़ती है। तो ये इंस्पेक्टर की सैलरी थी। इसी तरह मैं इसे नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह असिस्टेंट डायरेक्टर पे बनाऊंगा, आपको बता दूंगा कि उसे कौन कौन से अलाउंस दिए जाते हैं और क्या सिनेरियो है। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, ऐसी बहुत सी वीडियोज़ इंशाल्लाह डेली बेसिस पे आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।